एक और कॉलर हमसे बात करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं मोहम्मद निजाम खुर्जा से बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। हाँ बोलिए मोहम्मद जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये जो बयान दिए हैं, तो ये क्या सोच के बयान दिए हैं इन लोगों ने? आप क्या सोचते हैं? ऐसे आदमी को तो जो है देश से निकाल देना चाहिए। बेसिकली धन्यवाद, धन्यवाद कॉल करने के लिए मोहम्मद भाई, धन्यवाद कॉल करने के लिए। महिंग जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे प्रशांत भूषण वहां पर प्लेबिसाइट कराना चाह रहे हैं, एक प्लेबिसाइट कराना चाहिए देश में कि प्रशांत भूषण को इस देश में रहना चाहिए कि नहीं। तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ये कहेगी कि प्रशांत भूषण को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, तो क्या उस निर्णय को ये मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए इनको, क्योंकि जिस लॉजिक से वो कश्मीर को दूर करने की बात करते हैं, उस लॉजिक से तो फिर इनको बाहर जाना चाहिए। वो रेफरेंडम करवा ले और उनको बाहर जाना पड़ेगा। और लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस केस में उनको कश्मीरी नेता वहां रहने भी नहीं देंगे। कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग भूल रहे हैं, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर चाइना को दे दिया था, और अब चाइना के 3,000 से लेकर 4,000 लोग इस वक्त पाक अधिकृत क्षेत्र में जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और चाइना ने एक प्रकार का कब्जा वहां पे कर रखा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो कश्मीर को पाकिस्तान तो चाइना के हवाले कर रहा है एक प्रकार से। तो ये बात कश्मीर वैली के लोग भी जानते हैं और उनको मालूम है कि इस देश के साथ रहने में, जो भारत के साथ उनका उनको कितना आदर मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है, तो वहां के लोग कभी भी भारत से अलग नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल, हमें कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? टीम अन्ना में हाँ कितना अग्निवेश घुसा, अब तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में, कितना अग्निवेश टीम अन्ना में। अन्ना जी को तो पहले ही सोचना है, देशवासी को भी सोचना है। मुद्दे पर आश्चर्य तो ओ होना पड़ा। अंबिका सोनी और सोनिया का एजेंट अरुंधति का, घोटाले बाबा का, चिदंबरम का बात प्रशांत के मुंह से निकल रहा है, और तो देशवासी को भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्या वो तो वकील है, सुना है, तो उसका पास जरूर कश्मीर का कानून तो जरूर उसको ध्यान है रहना चाहिए। ऐसा बात देशवासी के विरुद्ध, देश का विरुद्ध तो बोलना नहीं चाहिए था। उसको ही निकल जाना चाहिए देश से, नहीं तो उसको ही सैंड करना चाहिए। धन्यवाद। एक वकील बेकानूनी पश्चिम बंगाल से हमारे देख दर्शक बड़े गुस्से में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और बात जब देश की आती है तो घुसना फूटना ही चाहिए। खुद अन्ना कहते हैं कि आग लगनी चाहिए। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं सर, ये भ्रष्टाचार के विषय पर। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है? हाँ सर, इधर तो बहुत सारा, हमारे इधर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आप जो कार्यक्रम में हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं सर। लेकिन आप ट्राई कर रहे थे तब भ्रष्टाचार का विषय था, और आज आपका कॉल लगा है तो देशद्रोह का विषय चल रहा है। सॉरी सर, मेरा दुर्भाग्य है सर, आज कॉल मिला आपसे। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? बारे में बात करना चाहूंगा सर। कॉल करने के लिए हम कहेंगे जिस दिन जो विषय है वही का विषय पर आप बात करें तो हम आपकी बात ज्यादा समर्पक तरीके से रख पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, आज शायद कुछ तकनीकी कारणों से नोएडा में कुछ टेलीकॉम से रिलेटेड मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए हम आपके ज़्यादा कॉल को सही तरीके से नहीं ले पा रहे, इसका हमें खेद है। आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मयंक जी, जिस प्रकार से इस पूरी बातचीत को कहा गया है, कि SMS मेरे सामने है, SMS आया है जम्मू से, अभय SMS करके कहते हैं कि जैसे वकील कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए बहस के लिए फीस लेते हैं, वही वकील बाहर मीडिया में आकर उस मुद्दे को बहस करने के लिए भी पैसे लेते हैं, तो क्या यह उसी का उदाहरण है? महेंद्र जी,
हाँ देखिए, अभी एक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया था और कुछ चैनल्स पर और कुछ मीडिया में कुछ जगह पर यह बात आई थी कि बहुत सारे एनजीओज पकड़े गए हैं जो कि बहुत मोटा पैसा विदेशों से ले रहे हैं और उनमें से बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लीन हैं। तो इसलिए ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये जानकारियां हैं कि बहुत सारे लोग जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, जैसे कोई डैम बनने वाला है और उस डैम से भारत को फायदा हो सकता है, तो पहले से ही उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में वो शुरू हो जाता है। एनजीओ को लोकपाल के जन लोकपाल के दायरे में ना ले, इसलिए प्रशांत भूषण लॉबिंग कर रहे हैं, बराबर ना? हाँ, अन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन मीडिया ने जब ये सवाल पूछा कि एनजीओ को आप इसमें क्यों नहीं ले रहे, तो इन सब लोगों की एनजीओ है। हाँ, तो ये इनका दोगलापन साफ झलक रहा है और आज एक सीख लेनी चाहिए हमको। सीख हमको ये लेनी चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, सारी किताबों में अवेलेबल है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, आप मैं जैसे आज बोल रहा हूं, तो मेरे बारे में भी पता करना चाहिए सब कुछ कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, इंटरनेट पर मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, मेरी क्या विचारधारा है, मेरे क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये वाली बातें सब हमको, तो अन्ना जी को भी ये अपने टीम में जो लोग एडमिट किए हैं केवल इसलिए कि टीम बनानी है और ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हमारे यहां एक जो सोसाइटी में एक बीमारी है थोड़ी सी कि हम लोग स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। किसी का बड़ा स्टेटस है तो उसको तुरंत हम मंच पे इनवाइट करते हैं और उसको चीफ गेस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल, उसकी आइडियोलॉजी नहीं देखते। हाँ, उसकी आइडियोलॉजी नहीं देखते और वो विचारधारा अपनी, और वो क्या करता है, वो हमारे मंच का इस्तेमाल करके अपनी विचारधारा को फैलाता है। यही हुआ स्वामी अग्निवेश ने भी, अन्ना का जो एक बहुत, क्योंकि अन्ना एक ईमानदार व्यक्ति हैं, एक वो ईमानदारी से लड़ना चाह रहे थे, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनकी, उनको बहुत प्यार मिला देश से, तो जो उनका एक मंच तैयार हो गया, उस मंच का फायदा उठाया स्वामी अग्निवेश ने, और ये भी उठा रहे हैं। और अन्ना क्योंकि विचारधाराओं को नहीं समझते, वो ये समझ ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति इतना विकृत हो सकता है कि वो देश के विरुद्ध इस तरह की बात कर सके। उनके उनके जहन में भी ये बात आसानी से नहीं आ सकती क्योंकि शायद वो अवेयर ही नहीं है कि ऐसे लोग होते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो करप्शन केवल पैसे का नहीं होता, करप्शन विचारों का भी होता है। अगर हमारा विचार करप्ट हो जाए तो वो पैसे के करप्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो देश के टुकड़े कर सकता है। बिल्कुल। तो ये विचारधारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जिसने जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान के फॉर्मेशन का समर्थन किया, तो ये इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब आजाद हो गया भारत तो फिर से उसने कहा कि ये भारत एक देश नहीं है, यहां पर तो बहुत सारे राष्ट्र हैं। तो ये जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला आता है तो उसे पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये खूनी क्रांति क्या होता है। उसको ये भी पूछना चाहिए कि जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था तो आपने उसको शत्रु सेना कहने के बजाय मुक्ति सेना कहा था। एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ साहब, मैं तिरुवनंतपुरम से बोल रहा हूँ, कन्हैयालाल जी। बोलिए। हाँ साहब, मेरा ये है कि शांति भूषण जी के वरिष्ठ एक वकील है जी, और उनके पुत्र अगर ऐसा बयान देंगे तो बहुत ही निंदनीय है देश के लिए। बिल्कुल, ये खुद भी वकील है। हाँ, खुद भी वकील है जी, और मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचता कि ऐसे एक वरिष्ठ और नागरिक और ऐसी बात करें देश को बांटने के लिए। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बहुत निंदनीय, और हमारे सैनिक वहां पर इतने सालों से मर रहे हैं, तो ये अगर करना ही होता तो पहले ही कर लेते, 60 साल पहले ही। बिल्कुल, धन्यवाद। और बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। पाकिस्तान चाह रहा है, प्रसाद मुखर्जी यही बोलना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान चाह रहा है ना। हाँ, यहाँ एक प्रसाद मुखर्जी सब कुछ चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान चाह रहा है ना सर, देश हमारे जो भारत का है, इनसे सब कुछ अधिकार छीन लेना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, इनका सही मुद्दा है कि जो चीज पाकिस्तान चाह रहा है, जो चीज पाकिस्तान के आतंकवादी चाह रहे हैं, जो चीज कश्मीर को तोड़ने वाले अलगाववादी चाह रहे हैं, वो चीज अन्ना के साथ, अन्ना टीम का एक अहम सदस्य कैसे चाह रहा है, बड़ी बात है। क्या ये भ्रष्टाचार के आंदोलन में कूदकर अपने आप को एक प्रतिष्ठा पाकर उस प्रतिष्ठा का उपयोग देश के खिलाफ चल रहे दूसरे आंदोलन में करवाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तिरुवनंतपुरम से हमारे कॉलर इस बात की मांग कर रहे हैं, कॉलर के पास भी चाहेंगे। हमारे पास कारण परिणाम उपाय भी आपको दिखाना बाकी है, तो कारण पे नजर डालते हैं कि कारण क्या कहते हैं।
प्रशांत भूषण का दोहरा चरित्र। प्रशांत भूषण एक ओर दिखाते हैं कि वो अन्ना टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ जगा रहे हैं, दूसरे ओर देश को तोड़ने की बात करते हैं, एक और पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। फिर इसे आप क्या कहेंगे, देश प्रेम या देशद्रोह? देश प्रेम का दिखावा करना। प्रशांत भूषण भ्रष्टाचार की लड़ाई में आगे दिखना चाहते हैं, देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। कश्मीर देश से अलग करना भी अब प्रशांत भूषण का देश प्रेम है। प्रशांत भूषण देश को तोड़ना भी देश प्रेम मानते हैं। प्रशांत भूषण का कोई राजनीतिक स्वार्थ? प्रशांत भूषण का ये कहना कि जम्मू कश्मीर को देश से अलग कर देना चाहिए, इसके पीछे हो सकता है कि प्रशांत भूषण का कोई राजनीतिक स्वार्थ हो। अब ये तो प्रशांत भूषण जाने या प्रशांत भूषण का देश प्रेम। अन्ना टीम का अधिक उदारवादी दिखने का प्रयास। अन्ना टीम के सदस्य अधिक उदारवादी दिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उदारवादिता के कारण कभी पाकिस्तान जाने की बात होती है, कभी देश को तोड़ने की, लेकिन ये सारी उदारवादिता ये दिखा रही है कि अन्ना टीम के कुछ सदस्य अपने आप को देश से ऊपर मान रहे हैं। अन्ना का अपनी टीम पर अंकुश नहीं रहा। अन्ना टीम के सदस्य जब तब उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अन्ना फिर क्यों ऐसे लोगों को टीम में रखे हुए है? क्या अन्ना जैसे देश प्रेमी के साथ ऐसे देशद्रोही होने चाहिए? ये कारण है और परिणाम उपाय भी हम तक अब तक हम लेके आएंगे। एक कॉलर से बात करते हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार जी, सुरेश जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। हेलो सुरेश जी प्रणाम। प्रणाम बोलिए। हाँ सर, ये जो प्रशांत भूषण साहब ने जो बयान दिया सर, ये न्यायत ही देशद्रोही के कैटेगरी के अंदर आता है सर। इन्होंने जो बयान दिया है ये एक राष्ट्रवादी छवि के खिलाफ है। ये लोग अन्ना जी के साथ हैं, जो कि अन्ना जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, और इनका ये जो बयान है उनके हिसाब से ये मेल नहीं खाता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कश्मीर के बारे में बात करते हैं सर, कश्मीर हमारी भारत का अभिन्न अंग है और ये रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद।